नियमावली 12.1 हीरोन का सूत्र। देखो अभी मैंने बेसिक में आपको सूत्र बताया था, अब उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसके सवाल करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। देखो पहला सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले संभव त्रिभुज के आकार का है। यातायात पे बोर्ड आते हैं ना, वो लगे रहते हैं रोडों पे लगे रहते हैं ना, त्रिभुज का आकार का है। ऐसा है, ये ऐसा संकेत बोर्ड है भाई जो संभव त्रिभुज है। क्या है बेटा? जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। और इस पर लिखा है आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, और ये संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है? ए। ये ए है, ये भी ए, और ये भी ए। आगे लिखा है हीरोन के सूत्र का उपयोग प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हीरोन का सूत्र लगाना है और इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और फिर लिखा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है, संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है? 180। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो हीरो के सूत्र से ज्ञात करना है, फिर परिमाप से इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। देखो ध्यान लगाओ, त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। बेटा मैंने पहले बताया था हीरोन के सूत्र में पहले हम ज्ञात करते हैं अर्ध परिमाप। क्या ज्ञात करते हैं? अर्ध परिमाप मतलब एस। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, ये होता है एस का। तो ए का मतलब क्या है? ए ही है। बी का मतलब भी ए ही है, और सी का मतलब भी ए ही है, बटा एस। बताओ एक दो और तीन कितना हो गया? तीन है बटा दो। ये आ गया अर्ध परिमाप, आ गया। अब ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे? तो लगाएंगे हीरोन का सूत्र, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लगा दिया। अब देखो अंडरूट है, एस कितना आया? तीन ए बटा दो। अभी तो बेसिक में बताया था ना मैंने, सेम टू सेम वही है। बताओ ए, ए कितना है? ये मतलब एस, एस लगे, एस कितना है? तीन ए बटा ए ही है ए। अब आगे जाओ, एस कितना है? तीन ए बटा दो, और बी बी क्या है? ए ही है ए। और फिर एस क्या है? तीन ए बटा, और सी बी क्या है? ए ही है ए। आ गया, हल करो, अंडरूट है तो अंडरूट। तीन ए बटा दो, देखो बेटा यहाँ ये भिन्न में, इसको भी मान लो बटे में कितना है? क्या लेना पड़ेगा? लस। क्या आएगा? दो आएगा, दो आएगा ना, ये लस आ गया भाई, दो आ गया। दो का भाग दो में एक, को तीन से गुणा, माइनस है तो एक का भाग दो में दो बार, दो को ऐसे गुणा दो है, आ गया। अब देखो ये सेम ही है, तीनों सेम ही है ना, तो जो इसमें है वही इसमें, वही इसमें। बताओ क्या आएगा? तीन ए माइनस दो ए बटा दो। यहाँ भी क्या आएगा? तीन ए माइनस दो ए बटा दो, आ गया। अंडरूट है तो अंडरूट, तीन ए बटा दो। अब देखो तीन ए में से दो ए गया, यहाँ गुणा लग जाए, कोई चीज नहीं है तो गुणा है, ए बटा। यहाँ भी क्या आएगा और वहां भी क्या आएगा? सेम ही है ना, ए बटा दो। अब देखो ए बटा दो के जोड़े बना लो, वर्गमूल निकालना इसका, तो वर्गमूल आप जोड़े बना बना के निकालो ताकि आसानी रहे। देखो वर्गमूल एक जोड़ा दिए बन रहा है और एक जोड़ा बन रहा है, तीन अलग रख लो आप, बने दो जोड़े। देखो जिस जो जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाता है, ए बटा दो आ गया बाहर, यहां से भी क्या आ गया? ए बटा, अंदर क्या बचा? अंडर रूट तीन बच गया। ए को ए से गुणा किया, ए स्क्वायर। दो को दो से गुणा किया, क्या आ गया? अंडर रूट तीन आ गया। अब देखो इसको सही जमा लो, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट तीन बटा चार ए स्क्वायर। ये आ गया आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आ गया ना। तो ये आ गया इसका, क्या आ गया भाई? क्षेत्रफल आ गया। ये देखो अब संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है, ये होता है अंडर रूट तीन बटा चार ए स्क्वायर, आ गया। ये तो हमने हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब आगे क्या दे रखा है? किसका परिमाप कितना हो? 180।
तो फिर इसका क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्या दे रखा है, परिमाप। क्या दे रखा है, कितना? परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। बताओ तीनों भुजाएं, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए। क्या आएगा, ए प्लस ए प्लस ए बराबर 180। कितना ए हो गया, तीन ए बराबर 180। मान किसका चाहिए, गुणा है तो बताओ ए का मान कितना आ गया, 180 बटा तीन से काटो, ए कितनी आ गई, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में भुजा कितनी आ गई भाई, 60 सेंटीमीटर। अब इसका क्या ज्ञात करना है बताओ, क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, अब हीरो का सूत्र लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये रहा इसका क्षेत्रफल, निकाले हमने। बताओ क्या होता है, अंडर रूट 3 बटा 4 ए स्क्वायर। देखो अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 बटा इंटू ए कितना है, 60 इंटू 60 स्क्वायर है, दो बार लिखेंगे, 60 इंटू 4 से काटो, 15 चौक 60, 4 बार 15 बार कट जाएंगे, 4 से 15, 15 छिकी 90, 15 छिकी 90, और ये क्या 0, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। आगे समझ में, पहले तो हीरो के सूत्र से ये सूत्र बन जाएगा इसका, फिर परिमाप से भुजा ज्ञात हो जाएगी, भुजा से क्या ज्ञात हो जाएगा, क्षेत्रफल। उतारो, देखो भाई सवाल नंबर 2 ध्यान देना बेटा, इसमें एक फ्लाईओवर दे रखा है, चित्र दे रखा है, देखो फ्लाईओवर जानते हो ना, फ्लाईओवर वो जहां पर रोड क्रॉसिंग होते हैं, एक रोड इधर से जा रहा है, एक रोड इधर से जा रहा है, वो टोंक में देखा है, टोंक बूंदी जाते हैं, पुलिया पुलिया आ देवली पुलिया, हाँ ठीक है पुलिया है, अब चुप। अरे ओए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, देखो ये फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार है, इधर भी और इधर भी, दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, काहे के लिए, विज्ञापन, विज्ञापन जैसे अपने कोचिंग का प्रचार करते हैं तो पंपलेट लगाना है इस विज्ञापन पर अपनी कोचिंग का, ठीक है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष रुपये 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, मतलब एक मीटर स्क्वायर का कितना रुपये मिलता है, 5000 रुपये मिलता है। आगे लिखा है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, इस दीवार को 3 महीने के लिए विज्ञापन लगाना है कंपनी को, उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना है उस कंपनी को कुल कितना किराया देना, एक मीटर स्क्वायर का एक साल का 5000 रुपए दे रही है, तो कुल के लिए हमें पहले इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लगाएंगे हीरोन का सूत्र। क्या लगाएंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले तो लगाएंगे फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर की एक दीवार का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, पहले क्या ज्ञात करते हैं, एस, एस ज्ञात करते हैं, तो बताओ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा, हीरोन का क्यों लगाया, क्योंकि ये दीवार त्रिभुजाकार है। अब इनमें देखो ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये क्या मान लो, क्यों कोई सा भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ ए कितना है, 122, बी कितना है, और सी बटे में 2, जोड़ो भाई कितना हो गया, 264 बटे में 2 से 132, कितना आ गया बेटा, आ गया 132, काट लेना आप लोग, 132 आएगा, आ गया। अब ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करेंगे, बताओ हीरोन का सूत्र, एस कॉस्ट एस 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 माइनस सी, ये होता है अंडर रूट, देखो भाई ध्यान लगाओ, बताओ एस कितना है, 132 माइनस ए कितना, 122, फिर 132 माइनस बी कितना, 22, और हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मान आएगा तो वही गुणा ही है सब, है ना, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सी कितना माना,
120। आप लिख लो चाहो तो यहाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, है ना? लिखो भाई, अंडर रूट है तो कितना, 132 गुना कितना बचा, 10 गुना कितना बचा, 100 गुना कितना बचा, 12 बचा भाई, कितना बचा, 12। अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर बेटा पूरे को गुणा करोगे फिर वर्गमूल निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करो इसके टुकड़े कर लो आप, क्या कर लो, तो देखो सबसे पहले 132 के करेंगे, 12 गुणा 11। अगर 12 को 11 से गुणा करोगे ना तो कितना आता है, आप करके देख लेना, तो इसके टुकड़े हो गए 12 × 11, ये 10 है ही सही, पहले 110 के 11 × 10, 11 को 10 से गुणा करो 110 आ जाएगा, और 12 का देखो ये 12 ही रहने दो, समझ गए बात को। अब जोड़े बनाओ, एक तो किसका बन रहा है, एक किसका, एक किसका, सब जोड़े बन गए, चलो एक तो बार कौन आएगा, एक कौन आएगा, एक कौन आएगा, 10, सबको गुणा कर दो। देखो 12 को 11 से गुणा करोगे 132, 132 को 10 से गुणा करोगे यह आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। बताओ इस फ्लाईओवर का पूरा क्षेत्रफल कितना है, 1320 मीटर। अब देखो इस विज्ञापन में एक साल का कितना पैसा लग रहा है, 5000 रुपया, है ना? अब हमें कितने का निकालना है, 3 महीने का, है ना? तो देखो एक वर्ष का खर्च कितना है, 5000 रुपया, एक है ना, एक वर्ष का मतलब कितना महीना, 12 महीने का खर्च, तो बताओ कितना है, 5000, कितना है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने का निकालो, एक महीने का खर्च तो बताओ कितना, 5000/12। अब कितने महीने लेना है, 3, तो हम क्या निकालेंगे, 3 महीने का खर्च कितना, 5000/12 × 3, ये होगा, 3 से काटो, 3 चौको, अब 4 से काटो, 4 × 1 = 4, पहले 12 महीने का था, 1 का निकालेंगे फिर 3 का निकलेगा ना, ये गुणा वाला भाग में आ जाएगा, ये 3 से गुणा हो जाएगा 4 से, 4 × 1 = 4, कितना बचा, 1, कितना हो गया, 10, 4 × 2 = 8, कितना बचा, 2, 20 हो गया, 4 × 5 = 20 और 0 की 0। बताओ 1 मीटर स्क्वायर का, रुक जाओ अभी पूरा नहीं हुआ, 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का कितना लगता है, 1250, तो हमें कितने मीटर स्क्वायर पर लगाना है, 1320 मीटर स्क्वायर पर, है ना? देखो यहां लिख देंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है भाई, 1250 रुपया, अपने कितने मीटर स्क्वायर पर लगाना है, 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो गुणा कर देंगे, 1250 × 1320, गुणा करो, देखो ये 2 जीरो तो पहले लिख दो, है ना, 132 को किससे गुणा कर लो, 125 से, देखो 125 दूनी कितना हो गया, 250 का 0, हासिल का 25, 125 = 375, 375 में कितना जोड़ेंगे, 400, 400 का हासिल का 125 × 40, 100, तो ये आ गया 165000 रुपया, तो बताओ कितना लगेगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 50000, 1650000 रुपया देना पड़ेगा 3 महीने का, ठीक है, आगे समझ में, अरे कोई डाउट है, डाउट हो तो फिर बता सकते हो ना, और भाई आप कमेंट में लिख देना कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। सुना है।